जैसे डीसीएसके पे उधर तो आदमी डीसीएसके के पास अगर उधर नहीं जाएगा ऑटो वगैरह फट से घुमा लेगा देखते ही समझ जाएगा। और ये एकदम रियल टाइम है, उसके डेटा समझ में है, एकदम रियल इंटरनेट की नहीं है, लोकल बजे सावधि है, सिर्फ लोकल ये चल रहा है। जानते हैं रोशनी की व्यवस्था है नहीं वहाँ पर, बहुत कम रोशनी है रोशनी की, लेकिन फिर भी ऐसे कैमरे अंदर चले गए क्या, वहाँ ट्रैफिक हो गया है हमारे यहाँ। जी सर, आज किस तरह की व्यवस्था की गई है ट्रैफिक से निजात पाने के लिए? उसी से गया ये सरल सॉल्यूशन रोजा पे स्थित है। इन्होंने अपनी तरफ से रेलवे फाटक वगैरह जो बंद होता है, जाम की समस्या होती है, तो रोजे से ही इनको पता लग जाएगा कि रेलवे फाटक बंद है तो साइकिल रोड डाइवर्जन हो जाएगा, तो लोग अपने को डाइवर्जन ऑटो रिक्शा गाड़ी कर लेंगे। ये इस तरह मॉडल इन्होंने बनाया है और नगर पालिका से भी रिक्वेस्ट किया कि इस तरह का मॉडल अगर बड़ी स्क्रीन में लगाया जाए तो इस तरह यातायात को डाइवर्जन किया जा सकता है कि अगर बंद हो तो फाटक पर भीड़ भाड़ कम की जा सकती है। देखा जाता है अगर इनका एक्सपेरिमेंट अगर सफल रहा तो नगर पालिका इसके बारे में सोचेगी कि हम गाजीपुर आजमगढ़ तिराहे पर भी लगवाएं, ताकि अगर उधर से इधर गाड़ी आने वाली है तो डाइवर्जन पहले ही करा दिया जाए, और उसी तरह ढकुलिया घाट पुल पे वहाँ भी लग जाए तो आदमी इधर ना आवे और सीधे ड्यूटी का रुख अख्तियार कर लेगा। सर तो क्या आज से ये ट्रायल शुरू हो चुका है? नहीं, एक नमूना इन्होंने पेश किया है, बहुत बड़ा तो नहीं मगर अच्छा है, देखा जाता है अगर सफलता मिलती है तो नगर पालिका इसके बारे में सोचेगी। करीब एक दशक से IT लाइन में काम कर रहा हूँ, जिसमें CCTV कैमरा, IT सॉल्यूशंस और LED डिस्प्ले बोर्ड, इन चीज़ों में मेरा काम है। और मैंने अपने नगर के यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था के सुधार के लिए अपने जो इस समय मेरा कार्य है CCTV कैमरा LED बोर्ड को उसको मिला करके एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, एक प्रस्ताव तैयार किया है जो आज LED बोर्ड के रूप में आपके सामने है। ये LED बोर्ड इस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या जो आप पेपर में देखते भी हैं और हर किसी से सुनने को मिलता है, रेलवे क्रॉसिंग पे ट्रैफिक जाम की समस्या, जिससे हर दूसरे नागरिक को दो चार होना पड़ता है। मैंने इसमें इस चीज़ से मैं भी प्रभावित हूँ, मेरे स्टाफ प्रभावित हैं, इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपना काम की चीज़ें जो कैमरे और LED डिस्प्ले के रूप में उनको जोड़ करके एक कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया है, जिससे जो भी रेलवे क्रॉसिंग की तरफ ट्रैफिक जा रहे हैं, वाहन चालक जा रहा है, वो 1 किलोमीटर पहले ही जान जाएगा कि रेलवे क्रॉसिंग पे इस समय क्या पोजीशन है, उससे वो अपना ऑप्शन रास्ता जैसे शहीदी रोड या रुक जाना थोड़ी देर या फिर दूसरे छोटे रास्ते या गलियों से होकर के निकल सकते हैं। इससे उनके समय की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी, वनी प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, और सबसे बड़ी बात समय की बचत होगी। किसी भी मौसम में एम्बुलेंस हो, प्रशासनिक वाहन हो, फायर ब्रिगेड हो, स्कूली वाहन हो, इन सबको काफ़ी राहत मिलेगी। इस सोच के साथ मैंने अपने शहर के प्रति ये करते हुए
निभाने का प्रयास किया। क्या किसी सरकारी संस्था द्वारा ये चीजें मुहैया कराई गई हैं या प्राइवेट आपने खुद स्वयं ये अर्जित किया है? मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इस कार्य में जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन या रेलवे प्रशासन किसी की भी सहायता नहीं ली गई है। ये स्वयं हमारी ही टीम के द्वारा और हमारे ही मटेरियल के द्वारा हमने इसे अपने ही इन्वेस्टमेंट से, अपने ही निजी इन्वेस्टमेंट से तैयार किया। ठीक।